सब्सक्राइब कीजिए आयोडा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोडा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 11th फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कंपटीशंस और बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स में आपको वीडियोस मिलते रहें। और अगर वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3.06 मीटर इज 0.34 मीटर पर सेकेंड इफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0.18 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग दिस टाइम इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ये रहे चार ऑप्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें चेंज इन वेलोसिटी दिया हुआ है और यहाँ पे हमें ये बोला गया है एवरेज वेलोसिटी आपको दे रखा है। तो एवरेज वेलोसिटी आपका क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस दिया है मतलब क्या निकालना है हमें? टाइम निकाल। तो टाइम इज इक्वल टू बाई डिस्प्लेसमेंट बाय एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास यहाँ पे बोला है 3.06 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास कितना है 0.34 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो वो टाइम आ गया। अब इस टाइम को हम यूज करते हैं यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी तो यहाँ दिया हुआ है 0.18 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू ये रही दैट इज 3.06 डिवाइडेड बाय 0.34। तो इस 0.34 को न्यूमरेटर में ले गया 0.18 इंटू 0.34 डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं 3.06। तो 6 3 से कटेगा 6 3 जा 18 नीचे आएगा 6 5 जा 30 1 जा इंटू 0.34 फिर यहाँ पे 17 से कटेगा तो 17 3 जा और ये 34/100 है तो 17 2 जा और नीचे आ गया 100 3 से 3 गया रिजल्ट है 2/100 2/100 हो जाएगा 0.02 विच इज योर ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट। पार्टिकल ट्रेवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड एंड 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 2 सेकेंड ये रहे चार ऑप्शन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि t इज इक्वल टू 0 से हमारा t इज इक्वल टू फर्स्ट 5 सेकेंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक में इस बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? यहाँ पे मेंशन्ड है आपका 10 मीटर। पहले 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना 10 मीटर। नेक्स्ट बोला है नेक्स्ट 3 सेकेंड। नेक्स्ट 3 सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ 3 मतलब इनिशियल से कितने सेकेंड हो गए? 8 सेकेंड्स। उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? फिर से 10 मीटर। अब बोला है फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। नेक्स्ट 2 सेकेंड मतलब ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अगर मैं x कह दूं तो यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया मेरा? 10 सेकेंड। अब यहां पे हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर है तो यहां पे इनिशियल स्पीड भी नहीं दिया मुझे। तो पहला चीज मैं क्या लिख सकता हूं? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s पता ही है तो s हो गया 10 इज इक्वल टू यू और यहां से यहां तक का टाइम है 5 सेकेंड प्लस क्या लिख देते हैं हाफ a पता करना है इंटू टी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट्स मेरे पास 10 इज इक्वल टू 5u प्लस 25a/2। इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ इसे। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए बोलूँ तो टोटल डिस्टेंस हो गया 10 + 10 डैट इज 20 इज इक्वल टू यू टी। अब u इंटू टाइम हो गया 8 सेकेंड यू टी प्लस फिर से क्या लिख दिया जाए हाफ a इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ आ गया स्टूडेंट्स 20 इज इक्वल टू 8u प्लस 64/2 तो 64/2 हुआ हमारे पास
32A। तो यहाँ पे अब हम क्या करना चाहते हैं, दो वेरिएबल्स U और A, उन दो वेरिएबल्स में हम एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से और इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। तो इक्वेशन वन को अगर मल्टीप्लाई किया मैंने 8 से और इक्वेशन टू को मैंने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स 5 से, तो मेरा क्या हो जाएगा, जैसे 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 80 इज इक्वल टू 40U प्लस 4 इंटू 25 इज 100A। वैसे उसे 5 से कर रहा हूँ तो 100 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 40U, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वहाँ पे आ गया 160A। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस 20 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 60A। यहाँ से A की वैल्यू आ गई 20/60 इज 1/3। चलिए एक्सेलरेशन आ गया, अब 1/3 एक्सेलरेशन किसी एक में पुट कर दिया जाए, सपोज इसमें पुट कर देता हूँ तो 20 इज इक्वल टू 8U प्लस 32/3। इसको यहाँ लेके आया तो ये हुआ एलसीएम लेके 60 - 32/3 इज इक्वल टू 8U। अब 60 - 32 मेरा हो जाएगा 28/24 इज इक्वल टू U, 4 से कैंसिल होगा तो U की वैल्यू आई 4 7 जा 4 6 जा। चलिए इनिशियल वेलोसिटी 7/6, एक्सीलरेशन 1/3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, फिर से देखते हैं। तो अब इस पार्ट के लिए इक्वेशन अगर लिखा जाए, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस 20, इनिशियल स्पीड आपका कितना है U और टाइम टेकन t, तो यू टी प्लस क्या लिखने का क्या हो गया हाफ a इंटू टी स्क्वायर। तो ये आया x प्लस 20 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स 10U प्लस 100/2 50A। अब इनकी वैल्यू उठाई जाए U और A जो हमने ऑप्टेन किया, तो ये आया x प्लस 20 इज इक्वल टू U की वैल्यू 7/6, तो ये हो गया 70/6 प्लस A की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1/3, तो ये हो गया 50/3। चलिए x प्लस 20 इज इक्वल टू एलसीएम लेता हूँ 170/6, तो x आया 170 - 120/6, तो x की वैल्यू हो गई 50/6 दैट इज 25/3। तो यहाँ पे 25/3 इज अप्रॉक्सीमेटली 8.3 meter, तो 8.3 meter, देयरफॉर योर करेक्ट आंसर इज A students, body travels for 15 seconds starting from rest with constant acceleration if it travels distances S1, S2, S3 in first 5 seconds, second 5 seconds and next 5 seconds respectively, then correct relation is, ये रहे आपके option, video पहले pause करें और खुद try करें। तो यहाँ पे given है आपको कि body rest से start हो रही है, initial velocity 0 और 15 सेकंड के लिए मूव कर रही है और हर 5-5 सेकंड के इंटरवल की बात हो रही है। तो अभी जैसे हमने किया था तो ये t इज इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकंड तक वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको s1 कह रहे हैं, t इज इक्वल टू 5 से t इज इक्वल टू 10 सेकंड नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करेगी आपका s2, और नेक्स्ट 5 सेकंड मतलब 10 से 15 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो डिस्टेंस s3। करेक्ट रिलेशन हमें पता करना है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। तो यहाँ से आके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s इज इक्वल टू u तो 0 हो गया, ut पार्ट गया, प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से s1 आया 25/2a, नेक्स्ट अगर यहाँ से आ तक के लिए बात हो तो यहाँ से लिख सकता हूँ s1 प्लस s2 इज इक्वल टू u0 फिर से हाफ a इंटू टी स्क्वायर, टी है 10 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से s1 की वैल्यू अगर आप 25/2a रख देते हैं प्लस s2 या 100/2a
और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एच टू इज इक्वल टू 100 माइनस 25 बाई 2 इज 75 बाई 2 है। चलिए एच टू भी निकाल लिए। फिर आते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए 15 सेकेंड, तो टोटल डिस्टेंस हो गया एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर 15 स्क्वायर। यहाँ पे एस वन प्लस एस टू, इसकी वैल्यू हमारे पास 100 बाई 2 ए है। एस वन प्लस एस टू इज इक्वल टू 100 ए बाई 2 प्लस यहाँ पे पड़ा है एस थ्री, और यहाँ पे 225 बाई 2 इंटू ए, ये वहाँ जाएगा। तो यहाँ से एस थ्री आ गया 125 ए बाई 2। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ 25 3 जा एंड 25 5 जा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एस थ्री जो है वो मेरा 5 टाइम्स एस वन है, ठीक है, और एस टू जो है वो मेरा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स एस वन है। तो एस वन इज टू एस टू इज टू एस थ्री, अगर इसके बात की जाए इसका रेशियो क्या आएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि देखो 3 टाइम्स एस वन एस टू है और 5 टाइम्स एस वन आपका एस थ्री है, तो देखो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर। बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। तो nth सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसके लिए हमारे पास रिलेशन है u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है आपकी 0, हाफ ऑफ एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किस टाइम पे पूछा है 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो n की वैल्यू 5 हो गई, तो 2 इंटू 5 माइनस 1, तो ये आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास 4 इंटू 10 माइनस 1 9, तो 4 इंटू 9 इज 36 मीटर, देयरफॉर योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द कार, इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ सेम मास फाइंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड, ये रहे चार ऑप्शन। तो कार की इंजन जो होगी स्टूडेंट्स वो एक कांस्टेंट फोर्स लगाएगी, चाहे एक कार को खींचे या दो कार है ना को खींचे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एफ फोर्स 2m मास को खींचेगा, जबकि यहाँ पे एफ फोर्स m मास को खींचेगा, तो इस केस में तो एक्सेलरेशन आपका गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो f इज इक्वल टू m इंटू ए से ये रिलेशन हो गया, जबकि यहाँ पे यही टोटल फोर्स कितने मास को खींच रहा है 2m मास को, तो यहाँ पे आपका नया एक्सेलरेशन a1 जो आएगा वो जाएगा f इज इक्वल टू 2m इंटू a1, जहाँ पे हम a1 की वैल्यू बोल देंगे f बाय 2m, और जहाँ पे f मेरा कितना है 4m, तो ये आया 4m बाय 2m विच इज इक्वल टू 2, देयरफॉर योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी ड्यूरिंग 4th एंड 3rd सेकेंड, तो 4th सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, तो 2 इंटू 4 माइनस 1, ये हुआ 8 माइनस 1 7 a बाई 2, ये डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया 4th सेकेंड में, एंड बात हो रही है 3rd सेकेंड की, तो 3rd सेकेंड में बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, फिर से यहाँ गिवन है रेस्ट में है, तो u तो 0 हो गया प्लस हाफ a 2n, n इज 3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 इज 5 बाई 2 है, तो मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए, दैट इज 4th डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 3rd सेकेंड में जो डिस्टेंस, तो ये रेशियो क्या दिख रहा है 7 इज टू 5, ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इज टू 5, देयरफॉर योर करेक्ट रिलेशन इज ऑप्शन। बॉडी इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी, तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स एक बॉडी को ऊपर फेंका गया अगेंस्ट द ग्रेविटी विद इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है वहां पे रख देंगे ओरिजिन,
अब ऊपर वाले डायरेक्शंस प्लस लेंगे और नीचे वाले डायरेक्शंस माइनस लेंगे, तो थ्रू आउट द मोशन ग्रेविटी कहाँ लगेगा? नीचे। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ढूंढने जाएंगे उत्सव, उत्सव में कोई भी तीन वेरिएबल आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्वेबल होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 15 प्लस y के डायरेक्शन में, तो इसलिए हो गया प्लस 15। नेक्स्ट बात की जाए फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे कितनी हो जाएगी? जीरो। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रू आउट द मोशन ग्रेविटी कहाँ लग रहा है? नीचे, जी। माइनस वाई एक्सिस पे लग रहा है तो माइनस जी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे तीन वेरिएबल आ गए मेरे पास, है ना, यहाँ पे तीन आ गए तब मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ की तरफ हुआ है? ऊपर की तरफ, तो प्लस एच मैक्स। मुझे ये मैक्सिमम हाइट पता करना है, ये मैक्सिमम वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तीन रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन है जब टाइम नहीं है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टाइम है, तो ये छोड़ दो। तीसरा रिलेशन पे आओ, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो क्या लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी आपकी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 15 स्क्वायर 2, एक्सीलरेशन माइनस जी, तो 10 ले लिया जाए, इनटू s। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? प्लस एच मैक्स। हम कैलकुलेशन के लिए जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं, एग्जैक्ट 9.8 होती है, कैलकुलेशन के लिए 10 लिया जाए। तो इसको यहाँ लेके आया, दैट इज 20 एच मैक्स इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो गया 225, दैट इज एच मैक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ 112.5 बाई 10, दैट इज 11.25 मीटर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन है? ए ऑप्शन। बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी? 0, रेस्ट लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, तो nth सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है? तो u प्लस हाफ, जब ये फॉल करेगा तो ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रहा होगा, तो a की वैल्यू हो गई 10 इंटू 2 इंटू एन माइनस 1, तो 5 सेकेंड की बात हो रही है, तो ये हुआ 5 इंटू 10 माइनस 1 इज 9, तो 5 9 जा मेरे पास रिजल्ट आया 45 मीटर। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड u, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड्स ऑफ इट्स एसेंट इज, ये रहे चार ऑप्शन। तो पहले वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये नहीं बोला nth सेकेंड, लास्ट टी सेकेंड की बात कर रहा है, मतलब अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंकता हूँ u सेकेंड, है ना, u स्पीड से, तो लास्ट टी सेकेंड का मतलब क्या होगा? अगर टोटल बॉडी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए लेट से कैपिटल टी टाइम लगा, तो लास्ट टी सेकेंड ये टाइम की बात हो रही है, ये स्मॉल टी टाइम में, है ना, इन टी सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर मेरा टोटल टाइम अगर कैपिटल टी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कैपिटल टी है, यहाँ से यहाँ टाइम अगर टी है, तो ये टाइम मेरा कितना हो जाएगा? ये टाइम हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा टी माइनस टी। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो गया? टी इक्वल टू टी माइनस टी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मुझे ये डिस्टेंस पता करना है, इस डिस्टेंस को मैं लेट से बोल देता हूँ स्टूडेंट्स एस वन, और ये डिस्टेंस मैं निकालूंगा s, तो ये है ना, यहाँ पे हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे s2, तो ये डिस्टेंस s1 कैसे आ जाएगा? इस s1 की वैल्यू हो जाएगी टोटल s माइनस s2। अब s और s2 निकालते हैं, चलिए s आते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस u, एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन ग्रेविटी दोनों में नीचे लगेगा तो माइनस जी, तो हम लिख सकते हैं प्लस यू टी, तो s यहाँ से यहाँ तक का, तो टाइम हो गया t प्लस हाफ, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो t कितना है मेरा? कैपिटल t स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट s2 निकालते हैं, तो s2 डिस्टेंस कितना हो जाएगा? u, और टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का है t माइनस टी, तो t माइनस टी प्लस फिर से हाफ, ए की जगह आ जाएगा ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो माइनस जी, और टाइम हो गया टी माइनस टी का होल स्क्वायर। अब मुझे
ये डिस्टेंस चाहिए S1, तो S माइनस S2 करना है, तो ये S1 डिस्टेंस आएगा S माइनस S2 करके, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो लाइक टर्म है ना करते हैं, तो U कॉमन निकाला, यहाँ आया T माइनस ये वाला टाइम T माइनस T, वैसे माइनस हाफ जी, इन दोनों में कॉमन निकाला, फिर ऊपर न्यूमरेटर में टी स्क्वायर और यहाँ पे टी माइनस टी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये आया टी माइनस टी प्लस टी और यहाँ पे हो गया माइनस हाफ जी और ये हुआ टी स्क्वायर माइनस, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी टी, तो टी स्क्वायर कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, तो ये आया यू टी माइनस हाफ जी इंटू, मैं क्या लिख सकता हूँ, ये रिलेशन हो जाएगा टू टी टी माइनस कितना आ गया टी स्क्वायर, इस टी की वैल्यू निकालें, तो ये टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके मेरा पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा जीरो, चलिए तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से मैं इस है ना t कैपिटल t की वैल्यू निकाल के वहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे v जीरो, u प्लस u है और एक्सेलरेशन माइनस g और टाइम t, तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास इज इक्वल टू u बाय g, उसको यहां पुट कर दिया जाए तो ये रिलेशन हो गया ut माइनस हाफ g इनटू, यहां पे मैं लिख सकता हूं u बाय g, तो ये रिलेशन हो गया 2t u बाय g माइनस टी स्क्वायर, चलिए अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हुए तो ये आया यू टी माइनस हाफ जी टू बाय जी से कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा माइनस यू टी है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर, तो ये रिलेशन आ जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर, अब यू टी से यू टी कैंसिल हुआ, रिलेशन आया हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो देखो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये थे आज के कुछ रेक्टिलिनियर मोशन के इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन, होप आपको वीडियो पसंद आया है, पसंद आया जरूर से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।